गाइस, रवि का हलवा बनाने के लिए गैस को ऑन करेंगे और मैंने फ्लेम रख दिया है, गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे ऑयल, घी। घी जब पिघल जाएगा तब इसमें जो मैंने रवा लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको चलाएंगे और इसको गुलाबी भूनेंगे। इसको गुलाबी इसलिए भूनना है, वाइट भुनेंगे तो वाइट हलवा बनेगा, तो इसलिए इसको हलवे का कलर लाना है तो गुलाबी भूनना पड़ेगा। माता रानी को हलवा चना बहुत पसंद है, माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ये भुन रहा है और इसको इस तरीके से गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे और इस तरीके से चलाते रहेंगे। आप चाहें तो गैस इसकी कतली भी बना सकते हैं, कतली भी बहुत अच्छी लगती है। इसको जमा दें बर्फी जैसे आटा से काटें, बहुत बढ़िया टेस्टी लगती है कतली। आप हलवा बना सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि ये रवा भुन चुका है, अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, दो ग्लास पानी डालेंगे। इसमें गाइस मैंने दो ग्लास पानी डाल दिया। तो गाइस एक कटोरी रवे में मैं एक चम्मच चीनी डाल रही हूँ, थोड़ी सी और डाल देंगे और इसको चलाएंगे। इसमें डालेंगे गाइस कुछ रंग जो कलर आता है, एक चुटकी। उसको चलाएंगे, गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसको खोल आने का इंतजार करेंगे। निकल देख सकते हैं कि इसमें खोल आ गई है और ये पक रहा है। इसके दाने गाइस देख सकते हैं, जब ये फूटने लगते हैं तो ये घुल जाते हैं। एक थाली लेंगे, मैं गाइस इसकी कढ़ी बना ले रही हूँ, तो एक थाली लेंगे, थाली को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। ऑयल ले लिया है, ऑयल में ओके इसमें ग्रीस कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हलवा ये बन गया है। अब इसको उसी थाली में पलट देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और ये इस तरीके से सब इसमें डाल देंगे। और इसको इस तरीके से चारों तरफ दफा के फैला देंगे। इस तरीके से वैसे सूखने का इंतजार करेंगे। इसके ऊपर चाहें तो आप मेवा लगा सकते हैं, गरी का बुरादा भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। चिरौंजी जो भी लगा सकते हैं। इस तरीके से गाइस इसका ठंडा होने का इंतजार करेंगे। तो आप देख सकते हैं रवे की कतली के लिए ये मैंने जमा दिया है और ये इसका इंतजार करेंगे ठंडा होने का। वैसे हलवा ठंडा हो चुका है और ये कतली बनने के लिए तैयार है। तो गाइस अब इसको मैं लूंगी एक चाकू, इसको काटूंगी केक। इस तरीके से इसको पत्ती काटनी है। हैप्पी बर्थडे हो रहा है, ये हो गया बर्थडे रवि का। अब इस तरीके से बर्फी आकार में इसको काट लेंगे। अब गाइस इसको धीरे से उठाएंगे। आप गाइस देख सकते हैं इस तरीके से रवि की कतली बनके तैयार हो गई है और इसी तरीके से और निकाल लेंगे। अभी अभी ठंडी हो जाती है तो अपनी आसानी से बहुत आसानी से निकल आती है, तो इसको हल्का सा प्रेस करना पड़ता है और ये रवे की बर्फी तैयार। सो गाइस आपको ये रवे की बर्फी की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से गाइस निकाल लेंगे ये पीसेस। रवे की बर्फी तैयार।